नीलंबूर एक छोटा सा गांव है जो हर साल बारिशों की वजह से पानी में डूब जाता है। नीलंबूर वाले साल के 6 महीने 3 फुट पानी में और 6 महीने जमीन पर रहते हैं। वहां के हालत कुछ ठीक नहीं है। माँ, बारिश हो रही है, मैं 2 मिनट अपने साइकिल पर घूमकर आता हूँ इस बारिश में। ऐसे कहते हुए प्रसाद अपने साइकिल लेकर वहां से चला जाता है। प्रसाद की माँ माधुरी, इस साल बारिश इतनी जल्दी शुरू हो रही है, पिछले साल की मुश्किल अभी तक याद है मुझे। गांव में बारिश होने पर बच्चे जितने खुश होते हैं, बड़े उतना घबरा जाते हैं और चिंता करने लगते हैं। माधुरी, मैं इस साल की बारिश के लिए होने वाली चर्चा में जा रहा हूँ, आने में देर हो सकती है। मेरी बात याद है ना आपको, एक बार मेरी बात भी करके देखना। ठीक है कहकर माधुरी का पति भीम वहां से चला जाता है। गांव के पीछे पटरियों पर एक ट्रेन सालों से पड़ी हुई है। कोई भी उस ट्रेन को वहां से हटाते नहीं है और ना ही किसी तरह से उस ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। माधुरी अपने पति भीम से उन ट्रेन को ही घर बनाने की बात कर रही थी। एक छोटे से गांव के गरीब लोगों के लिए इससे बेहतर और कोई सजाव नहीं था, लेकिन भीम को ये बात थोड़ी अजीब लग रही थी। मैंने अनिल और बाकियों ने अपनी बात रख दी है भीम, तुम भी कुछ कहो, तुम्हारे मन में कोई बात हो तो। दरअसल ये बात मुझसे मेरी पत्नी ने कही थी। ऐसी कहते हुए भीम चर्चा में बैठते सभी लोगों से माधुरी की बात को समझाता है। सबको वो बात अच्छी लगती है। इतनी अच्छी बात बताने के लिए इतना क्यों सोच रहे थे भीम? ये तो सच में बहुत बढ़िया सुझाव है, क्या कहते हो सूरज? ट्रेन जमीन से 4 फुट ऊंची है और उसमें लगभग 20 बोगी की ट्रेन है, जो इस गांव के सभी लोगों के लिए काफी है। हमें अभी से वहां पर काम शुरू कर देना चाहिए। ऐसी कहते हुए सभी गांव वाले मिलकर उस ट्रेन की कुछ सीट्स को हटाकर बाकी के सीट्स को इस्तेमाल करते हुए और अपना सामान उस ट्रेन में शिफ्ट कर देते हैं। कुछ ही दिनों में बारिश के पानी से गांव में पानी भर जाता है। गांव वाले को ट्रेन को घर बनाकर पानी में डूबने से तो बच गए थे, लेकिन उन्हें काम पर जाने के लिए और जरूरत का सामान लेने के लिए उस पानी में से ही जाना पड़ रहा था। माँ, टीचर जी हमें 17 बोगी में पढ़ाती है और हम 5वीं बोगी में है। पानी मेरे सर जितना है, मैं वहां तक कैसे जाऊं? कुछ दिन इंतजार कर ले बेटा, पिताजी काम पर गए हैं। जैसे ही लौट कर आएंगे तब हम उनसे बात करते हैं तुम्हारे स्कूल के बारे में। टीके कहकर प्रसाद कुछ दिनों तक इंतजार कर लेता है। कुछ दिनों बाद भीम अपने साथ कुछ खाने का सामान लेकर आता है, लेकिन वो पानी में बहुत ज्यादा भीगने की वजह से बीमार पड़ जाता है। आपको तो बहुत तेज बुखार है, आप जल्दी से कपड़े बदलकर आराम करो, तब तक मैं आपके लिए गरम गरम चाय बनाती हूँ। सर्दी, बुखार या सरदर्द, चाहे जो बीमारी हो, गरीब के घर में पहले चाय ही बनती है। इसीलिए माधुरी भीम को चाय बनाकर देती है। भीम चाय पीकर थोड़ा अच्छा महसूस करता है। पिताजी, मुझे स्कूल में दिक्कत हो रही है, पानी मेरे सर से भी ऊंचा है। अभी नहीं बेटा, पिताजी अभी अभी आए हैं ना, बाद में बात करते हैं।
लेकिन तुम पानी से क्यों जा रहे हो बेटा? हर बोगी के बाहर एक सीढ़ी लगी हुई है ऊपर चढ़ने के लिए। वहाँ से तुम स्कूल जा सकते हो, लेकिन ध्यान से, ऊपर फिसल कर नीचे गिरने का खतरा बहुत है। ऐसे नीलांबर वाले हर तरह से अपने आप को उस ट्रेन से जोड़कर हमेशा के लिए उसी ट्रेन को अपना घर बनाकर गुजारा कर लेते हैं। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे गांव के मुखिया सुंदरलाल ने गलती करने पर अपने ही भाई को सजा देकर बाद में गांव से निकाल दिया था। उसके बाद से फिर कभी भी और किसी ने भी वैसी हरकतें करने की कोशिश ही नहीं की है। लेकिन समस्या सिर्फ दालिया जैसे लोगों से ही नहीं थी। कुछ समस्याएं ऐसे भी होती है कि ना किसी को दोष दे सकते हैं और ना ही किसी को सजा दे सकते हैं। अब कैसी है वैद्य जी रेखा की तबीयत? चिंता की कोई बात नहीं है, ये कुछ दवाइयां है, वक्त पर देते रहो, कम हो जाएगा बुखार। लेकिन तबीयत खराब क्यों हो रही है वैद्य जी? हर दो दिन में एक बार आपको बुलाना पड़ता है, कोई बड़ी समस्या तो नहीं है ना, जो बीमारी धीरे खा रही हो अंदर से? वैद्य के पास सुंदरलाल की इस सवाल की कोई जवाब नहीं था, इसीलिए वैद्य ये सवाल मेरे ज्ञान से बड़ा है, इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास, कहकर वहां से चला जाता है। वैद्य के जवाब से सुंदरलाल और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरने के बाद रेखा की बहन सुषमा रेखा का ख्याल रखने के लिए आती है। सुषमा एक डॉक्टर है और समझदार लड़की भी है। आप चिंता मत कीजिए दीदी, मैं पता लगा लूंगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन पहरेदार तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ जाकर गांव देखकर आओ। ठीक है कहकर सुषमा पहरेदार के साथ गांव देखने के लिए जाती है। ये पहरेदार और क्या बता सकता है, इसीलिए जहाँ जहाँ पर पहरा देता है वो जगह बताता है। ये तालाब हमारे गांव का एक बहुत अहम हिस्सा है, यहाँ पर सुबह के वक्त पुरुष नहाते हैं, दोपहर को महिलाओं का वक्त होता है और शाम को गायों और बैलों का वक्त होता है। पहरेदार की आखिरी बात सुनते ही सुषमा हैरान हो जाती है। जिस तालाब में जानवर नहाते हैं, तुम सब उसी तालाब में नहाते हो? आप ऐसे सवाल कर रहे हो जैसे कि हम सब डालिया वाला काम कर रहे हैं? ऐसी कहते हुए पहरेदार कहता है कि गांव के सभी लोग हर काम के लिए उसी तालाब के पानी इस्तेमाल करते हैं, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए और पीने के लिए भी। उसकी बात सुनने के बाद सुषमा, गांव बहुत देख लिया दोस्त, चलो मुझे कुछ गांव वालों से मिलवा दो, अब मुझे गांव वालों से बात करना है। ऐसी सुषमा गांव वालों से मिलकर बात करती है। तब सुषमा को पता चलता है कि उसकी दीदी रेखा को जो समस्या है वो गांव के हर दूसरे इंसान को है। गांव वालों से मिलने के बाद सुषमा रेखा के पति से बात करती है। मैं गांव वालों को देखा है, वो सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं और आप पर विश्वास करते हैं, इसलिए सारे गांव वाले आपकी जिम्मेदारी है। ये बात मुझे भी पता है सुषमा, लेकिन तुम ये सब क्यों कह रहे हो इस वक्त? तब सुषमा कहती है कि जानवर दिन भर धूप से बचने के लिए कीचड़ में रहते हैं,
और शाम को ऐसे ही पानी में आते हैं, उसी पानी में शौच करते हैं। सारे गांव वाले भी अपनी गंदगी उसी तालाब में साफ करते हैं। इसीलिए वो पानी इतना गंदा हो गया है कि उसे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे पानी को पीने से और खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करने की वजह से बीमारियां आ रहे हैं। पीने के लिए साफ पानी का इस्तेमाल कीजिए और नहाने के लिए बाथरूम इस्तेमाल कीजिए, फिर देखते हैं ये बीमारियां कैसे आती है। ये बाथरूम क्या होता है? अब बस मैं जैसा कहती हूँ वैसा कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ऐसे कहते हुए उस गांव में साफ पानी के लिए एक वाटर टैंक का निर्माण शुरू हो जाती है और हर घर के पास एक बाथरूम का निर्माण होता है।